ठंडी है भाई, ठंडी में जैसे चाय पीने में मजा आता है वैसे ही मेकअप करने में मजा आता है, क्योंकि ठंडी में हमारी स्किन इतनी प्यारी लगती है, जैसे आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है और आप क्यूट लगते हो और आपको सब दिखते हैं। मैं ऐसा ही मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ जो आप लोग बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो टू योर डेली रूटीन। सो गाइज विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फॉर द मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग जॉय का फ्रूट मॉइस्चराइजर एंड मैंने इसको डीमार्ट से लिया था अंडर 100 रुपीज़। तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है ये एंड मेक श्योर टू अप्लाई ऑन मॉइस्चराइजर। मैं तो मॉइस्चराइजर भर के लगाती हूँ क्योंकि मुझे स्किन केयर करना बहुत पसंद है एंड हमारा स्किन केयर है ना वो बस 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा, जो सबके घर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे ही होंगे। फॉर द सनस्क्रीन आई एम यूजिंग टैक का इलादी सनस्क्रीन एंड ये मुझे जस्ट PR में आया था एंड ट्रस्ट मी आई लव दिस सनस्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज अ ट्रांसपेरेंट टेक्सचर एंड टू द पीपल हु डोंट लाइक वाइट कास्ट एट ऑल ये उनके लिए बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। द बेस्ट पार्ट इज ये आपके स्किन को मैटिफाई कर देगा और जरा सा भी ग्रीजी नहीं है, सो डेफिनेटली थम्स अप टू द सनस्क्रीन। एंड लिप्स को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बायोटेक का लिप बाम। जूसी है एंड आपके लिप्स को प्लम कर देता है। आप कोई सा भी लिप बाम यूज कर सकते हो, वैसलिन भी यूज कर सकते हो, बट नेवर स्किप योर लिप बाम। मेक श्योर गाइज टू यूज अ प्राइमर बिफोर यू यूज फाउंडेशन। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे NYB का प्राइमर एंड अगर आपके पास प्राइमर नहीं है देन यू गाइज कैन यूज एलोवेरा जेल, बट मेक श्योर टू यूज प्राइमर, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें प्राइमर को पूरे फेस पे नहीं लगाना है, जस्ट वहीं पे जहाँ पे आपके पोर्स ओपन होते हैं वहाँ पे ऑयल आता है और टी जोन, स्पेशली जो हमारा टी जोन होता है वो ये होता है। इसको अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड करो और बस 1-2 मिनट रुको फाउंडेशन लगाने से पहले। फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग NY का लिक्विड फाउंडेशन। बस इस फाउंडेशन की ना यही दिक्कत है कि इसको ना निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वैसे मैं ऑन कैमरा करती नहीं हूँ ये सब। पागल हो गई हूँ मैं। अपना नेक एरिया मत भूलना, ठीक है। आई एम यूजिंग ब्रश हेयर, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू एंड हमें इसको प्यार से ब्लेंड करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना ज्यादा व्हाइट फाउंडेशन है एंड ये मेरे शेड का नहीं है, बट वंस यू विल मिक्स इट नाउ देन यू विल सी मेरे ही शेड का। वेल अभी तो मैं वडोदरा में हूँ तो यहाँ पे ज्यादा ठंडी नहीं है इन गुजरात, बट आई एम फ्रॉम नॉर्थ बिहारी हूँ मैं, तो आई नो कि वहाँ पे कितनी ज्यादा ठंडी पड़ती है एंड मैं अमृतसर में भी रही हूँ फॉर 5 मंथ्स, तो आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि कितनी ज्यादा ठंडी पड़ती है यार। हमें रजाई से भी निकलने का मन नहीं करता, बट अगर आप कभी रजाई से निकलोगे तो ये मेकअप जरूर करना, यू लुक वेरी 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 क्यूट लाइक मी। पता है क्या, विंटर इज ऑल अबाउट क्रीम प्रोडक्ट्स। विंटर में हमें पाउडर प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एंड मेक श्योर टू गो टू द क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट। आई एम यूजिंग लैक्मे 9 to 5 का कंसीलर एंड इन सारे के जो शेड्स है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आई एम यूजिंग द कंसीलर अंडर माई आईज और जो मेरे यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से पिम्पल वाले मेहमान आ रखे वहीं पे मैं लगाऊंगी। वेल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कंसीलर, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कंसीलर यूज करते हुए, मुझे लगा था कंसीलर कौन ही करता होगा एंड मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा कि वो कंसीलर यूज कर रहे हैं लाइक यू नो इंस्टेंट ऑफ फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम सीसी क्रीम, तो इट्स वेरी नाइस। कभी भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको वाटर में डैम कर दो एंड स्क्वीज ऑल द वाटर। आई लव लैक्मे के प्रोडक्ट्स, लैक्मे स्विस ब्यूटी और फ्लेमे सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ही है ना जो मैं अपने बचपन से यूज करती आ रही हूँ, तो इट फील वेरी नॉस्टैल्जिक टू यूज देम। सी सारे पिंपल्स छुप गए। आई एम यूजिंग दिस किस ब्यूटी का कॉन्टोर, ये मेरा फेवरेट कॉन्टोर है, मैं इसको मेरे नोज पे यूज कर रही हूँ एंड इसका कलर जो है ना बहुत ही ज्यादा लाइट है कॉन्टोर का, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ये आपके ना फेस को शेप देता है, ज्यादा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बट एक आपकी स्किन को वार्म्थ मिल जाती है। यार मैं आधे घंटे का नैप लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। नाउ गाइज लेट्स कम टू माई फेवरेट पार्ट विच इज ब्लश। अगर आपने मेरी वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा ज्यादा ब्लश लगाती हूँ। लोग ऐसा ब्लश लगाते हैं कि वो सटल लगे, बट मैं ऐसा ब्लश लगाती हूँ कि सामने वाले को पता चले कि ओके इस लड़की ने ब्लश लगाया है एंड आई फील नथिंग रॉन्ग इन दिस। मोर ब्लश इज मोर ब्लश इज मोर 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 एंड मोर। सो गाइज फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग दिस इन साइड कॉस्मेटिक का ब्लश एंड गेस वॉट दिस वन इज फॉर ओनली 75 rupees।
बिलीव आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड ये फ्री शिपिंग आया था विथ 75 रुपीज। पिगमेंटेशन खुद ही देख लो, इतना ज्यादा प्यारा है एंड आपके स्किन पे बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। तो आई लव लव दिस ब्लश, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये, सच्ची प्यारा सा प्यारा सा। बस पहले हमेशा हमें थोड़ा सा ब्लश लेना है एंड उसको धीरे धीरे बिल्ड करना है एंड आई ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई माई ब्लश टू माई नोज एंड माई चिन। आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड माई ब्लश। हाँ ब्लश मेरे चेहरे पे प्योर गुलाबी गुलाबी ना दिख जाए तब तक मैं प्रोडक्ट लेके ब्लेंड करती ही रहती हूँ। ये हुई ना बात, अब लग रहा है सानिया ने लगाया है ब्लश। अब हम अपने क्रीम बेस को सेट करेंगे विद दिस मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। मोस्टली इसको मैं अपने अंडर आईज में ही अप्लाई करूंगी एंड आईलिड पे, और जितने भी प्रोडक्ट्स बच जाएंगे मेरे ब्रश में उससे मैं अपने फेस के ऊपर रोल ऑन कर दूंगी। मैं अपने अपर लिप्स पे हमेशा लगाती हूँ। फॉर द आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस शुगर का आई पैलेट एंड ऑब्वियसली मैं इनके सारे जो भी लिंक्स है वो मेंशन कर दूंगी। फॉर द हाईलाइटर मैं इसी पैलेट में से यूज कर रही हूँ। वेल वी हैव योर ब्लश कॉन्टोर एंड हाईलाइटर एंड ऑल द शेड्स, एकदम हल्का सा लेके ब्लेंड करना है। फॉर द आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर फर्स्ट। कॉन्टोर को हमेशा अपने आईलिड पे लगाती हूँ फॉर द नेचुरल बेस। मैं ये पीछे लूंगी, एकदम हल्का सा लेके धीरे धीरे बिल्ड करना है। ये वाला जो शिमर है ना, मैं थोड़ा सा अपनी आईलिड पे लगाऊंगी एकदम हल्के हाथों से। मैं ब्लेंड नहीं कर रही, बस अपने फिंगर से इसको डैप कर रही हूँ। देखा सिर्फ 3 स्टेप में हमारा आई शेडो डन है। अब मैं मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। Now guys, we are done with our eye makeup, very soft, subtle and 3-step eye makeup. And if you want to apply eyeliner, you guys can, but I don't prefer eyeliner क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आई शेडो प्लस मस्कारा प्लस आई लाइनर थोड़ा ओवर द टॉप हो जाएगा। तो आई ओनली प्रिफर मस्कारा एंड आई शेडो। फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग मेबलिन का सेंसेशनल लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक को काफी रफली लगाती हूँ, नो लिपस्टिक पेंसिल एंड नथिंग एल्स। दिस इज इट गाइज, आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो। इजी टू क्रिएट है, आप अपने डेली लाइफ में बहुत ही इजिली क्रिएट कर सकते हो। एंड मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज किए हैं उन सभी के नेम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आपको कोई सा भी प्रोडक्ट देखना है आप वहां से जाके देख सकते हो। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये मेकअप भी हैवी लग रहा होगा बिकॉज आई हैव यूज फाउंडेशन एंड आई शेडो इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई ऐसा मेकअप लुक चाहिए कि आप अपने ऑफिस कॉलेज या कहीं पर भी आप डेली यूज कर सकते हो उन मेकअप को, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डेली वेयरेबल मेकअप लुक चाहिए फॉर द विंटर, तो मैं वो जरूर आपके लिए क्रिएट करूंगी क्योंकि मैं बहुत वेली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट एंड मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपको फॉलो करना है तो यू गाइज कैन चेक इट देयर एंड फॉलो मी। बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय।